वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल इन सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, टुडे वी आर इन 42nd एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशनल विंग्स। और जी हाँ, अभी इससे पहले की शुरुआत करें इस इंस्पिरेशनल राइड की, जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि अगर एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते लास्ट सेगमेंट में मैंने एक पहेली पूछी थी और उसका आंसर बताने का समय बिल्कुल आ गया। तो जो हमारी रिडल थी वो थी, देयर वर फाइव बर्ड्स एंड अ हंटर हंटेड वन बर्ड, इट डाइड ऑन द स्पॉट, सो हाउ मेनी बर्ड्स लेफ्ट देयर। जी हाँ, पांच पक्षी थे और एक जो पक्षी जो गोली चलाते हैं, उन्होंने गोली चलाई और सभी पक्षी में एक पक्षी मर गया, तो कितने पक्षी रह गए वहां पे। तो दोस्तों, दिस वाज अ सिंपल रिडल एंड द राइट आंसर फॉर दिस पहेली इज वन। जी हाँ, क्योंकि और सभी जितने भी बर्ड्स थे वो तो उड़ ही गए, एक जो मर गया वो ही रह गया। सो द राइट आंसर फॉर दिस रिडल इज वन। वेल, द पर्पस ऑफ दीज स्मॉल इजी रिडल्स इज, जब भी आप आंसर देते हैं ऐसी पहेलियों का, तो आपको और पॉजिटिविटी मिलती है, आपको खुशी मिलती है। तो इसीलिए मैं ये पहेलियां पूछती हूँ हर एपिसोड के लास्ट सेगमेंट में, जिसका आंसर आपको देना होता है नेक्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट तक। तो चलिए, अभी शुरुआत करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड की, और आज की पहेली पूछूंगी मैं लास्ट सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉरल स्टोरी। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी जिसका जो मॉरल होगा वो दमदार होगा, सीख एक दमदार होगी। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं कहानी की, वो कहानी अभी मैंने हाल ही में सुनी और मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने जरूर सुनी होगी, पर मेरा मुझसे रहा नहीं गया और मैं वो कहानी अब इस सेगमेंट में जरूर सुनाना चाहूंगी। मुझे बहुत खूबसूरत लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी खूबसूरत लगेगी और आप भी सीखेंगे उस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कहानी की तरफ एक कदम। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, कहानी हिंदी में होगी। एक बार दो दोस्त होते हैं जो कि एक कॉलोनी में रहते हैं, मतलब गांव होता है जिसमें कॉलोनी होती है, तो वहां वो रहते हैं। तो दोनों, एक होता है कुछ 6-7 साल का और एक होते 14-15 साल का बच्चा। तो वो दोनों बहुत खुशी खुशी खेलते हैं एक दूसरे के लिए, सब कुछ करते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो वो खेलते 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 एक तरफ को चले जाते हैं, वहां पे खाली होता है, दूर दूर तक खाली होता है और जंगल टाइप होता है वो। तो जाते जाते वहां पे एक बड़ा सा खड्डा आता है जिसमें जो वो बड़े वाला लड़का होता है 14-15 साल का, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तो जो वो खड्डा होता है वो बहुत गहरा होता है और उसमें मिट्टी मिट्टी होती है और निकलने का कोई जरिया नहीं होता है। तो वो जो छोटा बच्चा होता है 6-7 साल का, वो यहाँ वहां देखता है, दूर दूर तक निगाह फैला के देखता है कि कोई हो और वो उसकी हेल्प ले ले। तो उसने देखा, सारी जगह देखा, उसे कोई नहीं दिखा। तो उसने फिर जब देखा कि उसका दोस्त नीचे गिरा हुआ है, तो उसने यहाँ वहां देखा और वहां दूर एक बाल्टी पड़ी हुई थी। तो उसने वो जो बाल्टी है वो एक रस्सी के साथ बंधी हुई थी, तो उसने वो जो बाल्टी थी वो रस्सी समेत नीचे गिर दी। और वो जो उसका दोस्त था उसे कहा कि तुम ये पकड़ लो और मैं खींच लूंगा। तो वो जो वो दोस्त गिरा होता है अंदर, वो झटपट वो बाल्टी पकड़ लेता है। वैसे तो वो जो बच्चा खींचने वाला होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो 6-7 साल का है सिर्फ, और वो जो
अंदर खड्डे में फंसा हुआ है वो 14-15 साल का है, तो वो जो छोटा सा बच्चा है वो लेट जाता है और पूरी कोशिश करता है कि वो अपने दोस्त को खींच सके। तो वो कोशिश करता रहता है, पहले तो वो खुद ही खींचा जाता है रस्सी के साथ, पर फिर वो फिर जोर लगाता है, पूरी जान लगा लेता है और धीरे 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 कोशिश करके पूरा पसीना निकल रहा होता है, उसका बुरा हाल हो जाता है, हांफ रहा होता है, और पर बहुत कोशिश के बाद वो किसी तरीके से उस लड़के को बाहर निकाल लेता है। फिर वो अच्छे से मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, रोते हैं, और जाके जब गांव में वो लड़का है वो बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ और खड्डे में मैं गिर गया और ये जो मेरा दोस्त है उसने मुझे निकाला, तो कोई भी गांव वाला विश्वास नहीं करता। जी हाँ, एक भी बंदा नहीं होता जो विश्वास करता कि वो जो छोटा सा बच्चा है पिदकू, उसने इतने बड़े लड़के को बाहर निकाल लिया, वो भी खींच के अकेले। तो ये चीज पे कोई भी तैयार नहीं होता कि वो विश्वास करे। पर थोड़ी देर बाद वहां पे एक बुजुर्ग होते हैं जो कि सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं उस एरिया के, तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इस बच्चे ने इस दोस्त को निकाला है, मैं कह सकता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ये सच है। ये सुन के सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और वो कहते हैं अरे ये क्या, मतलब कैसे हो सकता है ये। तो उस वक्त वो जो ओल्ड अंकल हैं वो दोनों बच्चों को बुलाते हैं और तब वो पूछते हैं कि क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। तब बच्चों ने बताया और तो उसके बाद वो जो इंसान होते हैं, समझदार इंसान, वो सभी लोगों को कहते हैं कि बिल्कुल ये सच है। और ये सच इसलिए है क्योंकि उस जिन्हें जब वो जोर लगाया उसे पता था कि मेरे सिवाय मेरे दोस्त को अभी कोई नहीं बचा सकता, और उसे ये भी पता था कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो जो बच्चा खींच रहा था उसे पता था कि अगर आज मैंने नहीं बचाया अपने दोस्त को तो वो नहीं बच पाएगा। और यहाँ पे एक चीज जो उस बच्चे को हिम्मत देती है वो ये है कि वहां पे कोई भी नहीं होता, एक भी इंसान नहीं होता जो उसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था उस छोटे से बच्चे को ये कहने के लिए कि तुम उस बड़े लड़के को बाहर नहीं निकाल सकते। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था, उसे कोई भी डराने वाला नहीं था, और इसीलिए उस बच्चे ने उस बड़े लड़के को बाहर निकाल लिया। और दोस्तों, यहाँ एक और जो बात है वो ये है कि उस बच्चे को और कोई बताने वाला तो था ही नहीं, पर वो खुद भी खुद को बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसे पता था कि उसे ये करना ही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब जिंदगी में आप हर चीज कर सकते हैं, बस ये होता है कि कई बार लोग आपको पीछे से खींचते रहते हैं कि अरे तुम नहीं कर सकते, रहने तो तुमसे नहीं होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई चारा नहीं होता और आप कोशिश करते हैं तो आप कर लेते हैं जो आप हमेशा सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मॉरल काफी वजनदार था कि छोटे से बच्चे ने अपनी हिम्मत और अपनी ताकत, और किसी के कोई नहीं था जो उसे कह रहा था कि तुम नहीं कर सकते, इस करके उस बच्चे ने एक बड़े लड़के को बचा लिया। तो दोस्तों, आई होप आपको इस कहानी से एक वजनदार ये सीख मिली होगी कि हर कोई हर कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, अब मिलूंगी मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार, अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले।
कभी कभी लगता है जैसे मैं ही तो हूँ रे। ऐसी मीठी सी सीटी बोले कानों में रस घोले। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट एंड इन दिस सेगमेंट लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू लिसन टू एन ऑडियो क्लिप। एक ऐसी ऑडियो क्लिप जो हमें पॉजिटिविटी दे सकती है, मोटिवेशन दे सकती है और नेगेटिविटी से दूर रख सकती है। सो लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दिस क्लिप। वेल, इससे पहले कि मैं ये क्लिप प्ले करूं, आपको बताना चाहूंगी कि जो आज की हमारी क्लिप है वो होगी सेल्फ मोटिवेशन के आसपास। जी हाँ, सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिव होगी। तो चलिए सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप और क्या पता आपको आपकी जिंदगी के लिए कुछ और अच्छे ख्याल मिल जाए जिनसे आप अपनी जिंदगी को और भी पॉजिटिव बना सकें। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड प्ले द वीडियो, प्ले द ऑडियो। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। Life, we'll be so afraid to take a chance because we're afraid of, not getting the bills paid, not having a little money for the clubs on the weekend, and we just be afraid to really jump and go get what we want. When you truly have a dream, it eats at you, and it eats at you at night, it eats at your soul. And today, I want to encourage people to take a chance. You know, you can go clock in every single day and literally be just existing and not living. And you're lying to yourself. And to lie to yourself, as I said before, is suicide. Today, I encourage everybody that loves, that in anything they love, anything you want to do, I want you to go out and do that. I don't want you to wait. I don't want you to pretend like this is what you love when this is really what you love. Don't let anybody steer you away from that, because we all get one life. Some people want to live a regular life, just wake up every single day and do the same routine over and over again. But some people was born in the slums. Some people was born with nothing. And since they were a child, only thing they thought about was beating that, changing that picture of their life. That gift that hunts you at night, that anxiousness when you're sitting on your job and that land's happening, because in the back of your mind, what you love, you're not doing. You're working for another man, fulfilling another man's dream. It is going to take every single inch, a heart. You're gonna have to have heart to jump out and take that step. That's what it's all about. Entrepreneurs don't care. A lot of them don't care if you rich and you famous. They fall in love with you because you had the heart to step out and take a chance when you knew your life was on the line. But when you working somewhere and you doing something that you don't truly love, you're just waiting to die. You're just waiting to die. If you have something that you love, put a plan together and apply it. Because the worst thing in the world for a human being is to never reach his true potential. That's the worst feeling in the world.
And for me, I'm young. I learn from everybody every single day. And what I notice with each of my songs more than anything in the world is doing something that I don't love. It's working around people who would love to be miserable, and when you smile, they hate it. I will never let a human being disrespect me. I will never let a human being take my smile off my face, and you should never do the same. Don't ever let anybody take your dream away from you. Don't let anybody take your joy away from you, because we are filled in a world full of energy drains, negative individuals. Some bosses walk in and they love the fact that you're frowning and that you're upset. Some people walk into their offices every day and pretend to smile like they love what they're doing. You got to get a fire in your stomach for what you want. And you got to take that chance. When you stay and work and just exist, or when you take that chance and take that jump and have faith in God that this is what you're supposed to be doing. And life is like a slingshot. Life will pull you and pull you and pull you and pull you and pull you. But eventually, they have to let go. And this is when you fly. So enjoy the slingshot pull back. Enjoy it. Because they're going to have to let you go one day. Your dream is going to fly one day. And if you got to struggle, and if you got to cry tears and feel pain, if you got to feel alone in the process of reaching that dream, you do it. You do it. Because I promise you, 95% of the people you ride past in your car, 95% of people that you walk past in restaurants and everyday life, they're existing. Be a 5%. Don't exist. Live. When you're existing, you're on a pause. You're not doing anything. You're being a robot. I challenge everybody out there today to go live. Take a chance on what you truly love. Because we never know when they're going to call our names to go home. You never know when God's going to call us home. If you're a kid and you're struggling on how to get it done, I'm going to tell you, just go do it. You want to be a speaker. You want to be a lawyer. You want to be a doctor. Surround yourself with those people. No great entrepreneur or no great person in general, none of them stayed in existence. They took a chance. They took a chance. Take a chance and seize your opportunity. Take a chance on living forever happy. Take a chance of being who you truly are. Discover your gifts. Discover your gifts. Don't leave them under the tree. Stay strong today. If you're going through pain today, find somebody that you love. If you're somewhere living in an ugly place, find the pretty pictures in your head that you love. Everybody is a walking $1 million check. But the only way you can find that check is if you take a chance. Take a chance, King. Take a chance, Queen. We get one life. You know, some people just want them to be great. Some of us want everybody to be great.
Some of us want everybody to be able to pull up at a home with a family, with a car, a 401k plan. That's life. Society and the world wants us to work check to check. They want you to be dependent on them for you to survive. God already gave you your gift. He already gave you your job. Your job is your gift. Every day you clock in somewhere that you don't love, you missing the true work. You taking 3 steps backwards. Now don't get me wrong, it is necessary to work, to take care of yourself. But this is when you see the lights on in buildings at 3 a.m. in the morning, because he worked this job to continue to go towards what he truly wants to do. He put the hours in. She put the hours in. We live in a world where everybody is trying to be something. What do? When somebody's going 1,000 miles per hour and you just getting on the road. At this point, I'm talking about my dream. I'm talking about all the great people that's ahead of me. What do I do when they already going 1,000 miles per hour and I didn't even crank my engine? This means I gotta crank my engine and I gotta go 100,000 miles per hour as well, but I have some catching up to do. So this means I have to drive through the night. I have to drive through the thunderstorm. I have to drive through the snowstorm. I gotta grind when they sleep. I gotta grind when they make a stop. I just wanted to encourage everybody, man, to do what you love to do today. Take a chance today. तो दोस्तों ये थी एक ऑडियो क्लिप जो कि लगभग 10 मिनट की थी। I loved it and I hope you too loved it. Well, मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल लगी और मैं जरूर अपनाने वाली हूँ ये बातें, ये चीजें, ये डायरेक्शंस और ये जो इन्होंने जिस तरीके से डील किया अपनी सेल्फ मोटिवेशन को। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये चीज हमें और सिखाएगी, और कोशिश कीजिए ये जो हमने सुना है इसे अपनी जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी जिंदगी और भी अच्छे मोड़ ले सके। तो चलिए अब बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ, बिकॉज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। लेट मी टेक अ स्विफ्ट वेक ब्रेक एंड आई विल बी राइट देयर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3 विद आरजे दिव्या शर्मा। आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल।
ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ निकल गई ट्रेन, काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। तो दोस्तों नाउ इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉट्स, क्योट्स, सेंस, वर्ड्स एंड लाइंस, कुछ ऐसे ख्याल जो हमारी जिंदगी को और भी पॉजिटिव बना सकते हैं और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन थॉट्स की तरफ। हैप्पी लिसनिंग और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों द फर्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड बिगिन अगेन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये थॉट है कि हर सुबह एक नया स्टार्ट होता है, नई बिगनिंग होती है, तो एक बड़ी सी सांस भरिए और एक नई शुरुआत करिए। क्यों ना कल जितना भी बुरा क्यों ना हो, पर जो आने वाला कल है वो एक नई शुरुआत जरूर लाता है। सो एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड back in again. So dosto, the next thought for this evening is the purpose of life is to live a life of purpose. Ji ha dosto, bahut hi khoob kaha hai ki jo zindagi ka maqsad hai wo ye hai ki maqsad wali zindagi ho, jisme aapne kuch socha hai ki aapne ye pana hai, ye karna hai, wo ek zindagi hai. So the purpose of life is to live a life of purpose. तो चलिए द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज गॉड सीज योर पेन, ही विल सप्लाई एन अपॉर्चुनिटी, अ वे एंड अ डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी पेन नहीं देखते, दर्द नहीं देखते, तो आप गलत हैं। भगवान हमेशा आपकी दर्द देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं और फिर आपको सप्लाई करते हैं एक चांस, अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता, एक डायरेक्शन। सो गॉड सीज योर पेन, He will supply an opportunity, a way and a direction. So, chaliye, the next thought for this evening is what will you do today that would make you feel proud next year? Ji haan dosto, jo aap aaj karte hain wo aapko agle saal wo cheez aapko proud feel karwani chahiye. Ji haan, kehne ka matlab hai ki kuch aisa kare जो आपको आने वाले समय में फील करवाए प्राउड, आपको फकर हो कि आपने कुछ ऐसा किया था। सो व्हाट विल यू डू टुडे दैट वुड मेक यू फील प्राउड और प्राउड नेक्स्ट ईयर। तो चलिए द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज व्हाट वरीज यू मास्टर यू। जी हाँ दोस्तों, जौन सी चीज आपको हर वक्त सताती जाती है वो आपको मास्टर कर लेती है।
जी हाँ, वो बिल्कुल आपको कस के होल्ड कर लेती, ग्रिप कर लेती है, आप उसके कब्जे में आ जाते हैं। सो व्हाट वरीज यू, मास्टर यू। तो कोशिश कीजिए कि आपको जो चिंता है वो कभी भी सताए ना, नहीं तो जो चिंता है वो आपके ऊपर राज करेगी। सो व्हाट वरीज यू, मास्टर यू। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, इवन व्हेन यू आर अफ्रेड, कीप ट्रस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपको जितना भी डर लग रहा हो, जितना भी आपको एंजाइटी हो, अफ्रेड हो आप, पर फिर भी आप ट्रस्ट करते जाओ। जी हाँ, क्योंकि आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। सो इट्स बेटर टू ट्रस्ट। सो इवन व्हेन यू आर अफ्रेड, कीप ट्रस्टिंग। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, इफ यू कैन बी एनीथिंग, बी काइंड। जी हाँ, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं या बन सकते हैं तो आप काइंड बनिए। जितने भी अमीर क्यों ना हो, जितने भी गरीब क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हो, मोटे लंबे पतले कैसे भी हो, पर काइंड होना जरूरी है। सो इफ यू कैन बी एनीथिंग, बी काइंड। तो चलिए, द नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट इज, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी मेक इज द फियर दैट वी विल मेक वन। जी हाँ, जो सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं वो ये है कि हम डरते हैं कि हम एक मिस्टेक कर देंगे। तो जब ये डर रहता है तो हम कोशिश ही नहीं करते। सो द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी मेक इज द फियर दैट वी विल मेक वन। जी हाँ, अगर आपको भी ये चीज तंग करती है, अगर आपको भी डर रहता है कि आप कुछ ट्राई करेंगे तो कोई गलती हो जाएगी, तो शायद ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो कोशिश कीजिए कि आप बेझिझक आगे स्टेप बढ़ाएं और ये चीज अपने दिमाग में ना रखें कि गलती हो जाएगी, और उसकी वजह से अपने आप को पीछे मत रोकिए। सो द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी मेक इज द फियर दैट वी विल मेक वन। तो दोस्तों, दीज वर द थॉट्स, क्यूट्स, लाइन सिंग्स फॉर दिस सेगमेंट। इफ यू टू हैव सम थॉट्स, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो चलिए, अब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। और कोशिश कीजिए कि ये जो ख्याल है अपनी जिंदगी में आप अपनाएं और जिंदगी और भी खूबसूरत बनाएं। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार। हैप्पी लिसनिंग। Thank you.
Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ टिप्स. वी आर लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्स और फैक्ट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्स. तो दोस्तों, द टिप्स विल बी इन इंग्लिश एंड लाइक ऑलवेज विल वॉक थ्रू फाइव टिप्स. एंड टुडे दीज टिप्स विल रिवॉल्व अराउंड हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर गेमिंग एडिक्शन. जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना मशरूफ रहते हैं अपनी गेमिंग में, गेम्स में, चाहे वीडियो गेम हो, मोबाइल गेम हो, लैपटॉप गेम हो या कोई भी गेम हो, वो इतने ज़्यादा उसमें डूबे रहते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते, उन्हें एडिक्शन हो जाती है. तो क्यों ना इस सेगमेंट में पांच टिप्स ऐसे उनके बारे में बात की जाए जिनसे आप अपनी ये जो एडिक्शन है इससे छुटकारा पा सकें. तो चलिए, लेट अस मूव फर्दर टूवर्ड्स दीज फाइव टिप्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव. The first tip for this evening is take a quick walk. जी हाँ दोस्तों, whenever you are engaged in playing games, just make an effort to take a quick walk. Well, walk is something that can distract you, that can interrupt you, and that can break the flow. Whenever you will take a short walk, it will directly impact on your game. That means if you are playing game for around 20-30 minutes and immediately you leave it in between and went away for a walk, this will diminish your charm, your excitement for games, and slowly you will get little far from your game. Give it a try and I'm sure this will help you, because it is going to break the addiction in small bits. Try it. It's hard to, you know, leave your game in between, but once you will do it, it will prove really effective. Try it yourself. Take a short break when you are playing game and see the magic. So, dosto, the second tip is think about hobbies. Dear friends, whenever you are playing games, just try to think about other hobbies like painting, sketching, reading books, playing cricket, or maybe crafts, knitting, cooking. There's so many things. Just think about those things. Give them a space in your life. Well, since you are so much indulged in games, there is possibility that you don't have any hobbies. So it is the right time to develop a hobby. Just develop a hobby for a couple of days. Pay attention to your hobby. For example, if you have started dancing, learning dancing, or sparing some time for dance, just dance for a couple of days, and then your charm and your enthusiasm towards gaming will take a back seat, and dance will be your new destination. Try it yourself and I'm sure it will be really effective, because hobbies are something that make us happy, glee, and of course, they make our days more vibrant. So make sure you replace your gaming habit with your hobbies. It can be anything like playing matlab outdoor games, or maybe reading, writing, poetry, etc., etc. So give it a try and see the magic. So दोस्तों, the third tip for this evening is talk to somebody. जी हाँ, you must be thinking, why should I talk to somebody about my this addiction? Why should I? Well, you have to. Maybe you are thinking that it will be really embarrassing, or you are hesitant that it won't work, or maybe they will laugh at you. But believe me friends, talking can make your problem really little. It can give you some solutions. For example, if you are discussing it with your best friend, your neighbor, your relative, or a person who is close to you, you can find out some ways. Because you know what?
Everybody has some addictions and they overcome their addiction. So once you are sharing your gaming addiction with them, they will definitely tell you about their ways, how they cope up with their addictions, and who knows, you too successfully overcome your addiction. So the point is, take help, talk to people, and the solutions will right be there in front of you. Try it yourself, give hesitation a backseat, and make sure you are talking to people, trustworthy people, about your gaming addiction. So those are the fourth tip for this evening is, well, since gaming eats so much time, you can say it, time eater. Ji haan, the tip is time eater. Whenever you are playing games, you must think how much time you have spent. The time you have spent on your gaming can be utilized in a more better and productive way. I'm not saying that there shouldn't be leisure in your life, but what I'm saying is, sometimes this gaming eats up so much of your time, even hours, days, and who knows, the whole night. So make sure whenever you are playing games, or maybe next time when you play game, while you are playing games, just think, what if I'm not playing game this time? Maybe you are doing some more productive thing, maybe something like you are reading, or you are doing something else that is more productive, can play a more crucial role in your development, or maybe in your overall personality. Well, think about this. It may be little annoying, but you have to think about this. Just think about this, that you are doing gaming, and if not gaming, what can be more better than this? Because gaming is, of course, eating up so much of your time, and time is precious. So make sure your gaming is not gulping all your days, weeks, and years. Fifth tip is music. Yeah, dosto, you must be thinking, what is so much about music here? Well, whenever you are playing games, just start music. Like, play some songs which are of your choice, or maybe some genre, some motivational songs, and these songs will destroy your concentration towards your game, and it will really prove effective for your addiction. I mean, it will destruct your addiction, because music has a power that can do wonders. So make sure you are giving a try to this music thing. Just play your favorite playlist, the songs of your favorite singer, pop star, band, and so on. And make sure when you are playing games, just play music at loud, and then your gaming charisma will disappear, because music will take its place. So try it yourself. These five tips are surely going to make an impact on your life. So are you ready to kick off your gaming addiction? Well, this is not just about addiction related to gaming. If there are other addictions which are really troublesome, like mobile and chatting and so on, these can also be dealt with these five tips. Well, we'll talk about them some other time. So for now, I hope these tips will help you in kicking off your gaming addiction. तो चलिए अब छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ मैं आरजी दिव्या शर्मा, और मिलूंगी आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार. स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग. Hey!
वही हवन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का अंतर मंत्र अंतर ज्ञानी है सर्वज्ञ के स्वाभिमानी जय है मां विनाशी ओंकार है इसी की वाणी दूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अडिग अमर है महादेव आ रहा है सत्ता वही शून्य है वही इकाय वही शून्य है वही इकाय वही शून्य है वही इकाय जिसके भीतर बसा शिवाय तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट एंड इन दिस 42nd एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशनल विंग्स आई होप कि आपको ये जो सेगमेंट्स थे अच्छे लगे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और एनकरेजमेंट आप तक पहुंचाई जाए। तो अगर आप भी मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने जो स्टफ है, चाहे वो ऑडियो क्लिप्स हो, टिप्स हो, क्वोट्स हो, थॉट्स हो या कहानी हो, आप शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट। अपने फीडबैक्स और स्टफ शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.radioudaan.com और साथ ही दोस्तों फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/radioudaan। ट्विटर पे है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN।
और साथ ही दोस्तों अगर आप कोई एपिसोड चाहते हैं लेना तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं या आप हमें ईमेल करके भी मांग सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudaan.com और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है जिसपे आप अपने फीडबैक्स या फिर कुछ चाहिए आपको स्टफ या स्टफ शेयर करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। वो आईडी है divyashrma.bs@gmail.com। तो दोस्तों इंतजार रहेगा मुझे आपके फीडबैक्स का। इससे पहले कि मैं कहूँ आपको गुड बाय और कहूँ कि मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक, पूछ लेती हूँ आपसे एक जल्दी से छोटी सी रिडल पहेली जिसे आंसर देके आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं एकदम से। जी हाँ, इस पहेली का आंसर आप दे सकते हैं नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेगमेंट तक। तो दोस्तों जो पहेली है वो है, हाउ कैन यू मेक योर मनी डबल इंस्टेंटली। जी हाँ, हाउ कैन यू मेक योर मनी डबल इंस्टेंटली, आप एकदम से अपने पैसे डबल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी 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 इजी रिडल, तो इस पहेली का आंसर दे सकते हैं आप नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेगमेंट तक। और दोस्तों ये छोटी मोटी इजी सी पहेलियां पूछने का मकसद बस इतना है कि जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं उनका आंसर देते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है, मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है, तो इससे नेगेटिविटी जरूर दूर भागती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर अपने भेजें, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहां भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेती हूँ इजाजत और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम ट्यूजडे 9 to 10 PM एंड रिपीट वेडनेसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम निनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस इंस्पिरेशनल स्टफ विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड एवरीबॉडी अराउंड यू। Stay tuned. Take care.
रहते तो